हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ सीयूटी का क्लास नंबर 3, जहाँ पे आज हम लोग देखने वाले हैं कैलकुलेशन का। और 3-4 क्लासेस होगी, उसके बाद आप लोगों का जितना भी सिलेबस है आप लोगों का A to Z आप लोगों को कराया जाएगा। कहाँ पे याद रखेगा, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक यूट्यूब चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, उस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर आप भविष्य में चाहते हैं कि मुझे CUT का स्पेशल क्लास करना है, या हमें चाहिए कि हमें रेलवे का स्पेशल क्लास करना है, रेलवे का भी बहुत सारे कैटेगरी होती है, जैसे हो गया TT, TC या LLP या लोको पायलट हो गया है, या आप ग्रुप डी के एग्ज़ाम लीजिए, तो बहुत सारे कैटेगरी सारा चीज़ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों को तैयारी कराई जाएगी। इसके बाद SSC में होती है CGL, MTS, CDS, जितना भी होती है CHSL, सारा चीज़ आप लोगों को मुफ्त में, फ्री में आप लोगों को तैयारी कराई जाएगी। साथ ही साथ आप लोगों का नोट्स भी एक WhatsApp ग्रुप के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो उसके लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक YouTube चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, उस YouTube चैनल को बिल्कुल आप लोग जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों को शेयर करें। और उनको बताइए कि झारखंड में एक न्यू क्लास स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे झारखंड पुलिस का भी बेहतरीन तरीके से उसी YouTube चैनल के माध्यम से तैयारी कराई जाएगी। चैनल का नाम क्या है, स्टडी विथ मिसाइल क्लासेस। जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें। या तो आप आर्मी का स्पेशल क्लास करना चाहते हैं, CSIF, BSF, RPF, SSB, CRPF, जैसे RPF का भी वैकेंसी आ चुकी है, लगभग 4600 प्लस वैकेंसी आ चुकी है। या तो आप चाहते हैं मुझे ग्रेजुएशन करना है, तो ग्रेजुएशन के लिए भी आप लोग वहाँ पर जाके अपियर्ड कर सकते हैं। खैर, हम लोग आज जो लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करने वाले हैं, जो टॉप ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी, और ये क्लास जो है ना, क्लास नहीं बल्कि म्यूजिक होगी। यकीन नहीं होता है तो एक बार अच्छी तरह से इस वीडियो को देखें और स्किप नहीं करना मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 से। अगर आपको इस तरह से नंबर आए और कहा जाएगा कि 11 का स्क्वायर बताएं, क्या मेरे भाई 11 का स्क्वायर बताएं, इसी का मीनिंग होता है क्या, याद रखिएगा 11 × 11, इसी को हम लोग लिख सकते हैं दूसरी भाषा में, क्या 11 × 11 लिख सकते हैं ना मेरे दोस्त। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, डबल बार लिखना, ठीक है। तो इस तरह से नंबर आए कभी भी तो हम लोग बचपन की तरह नहीं करेंगे कि 11 को 11 से मल्टीपल करेंगे, जी नहीं। ये छोटा सा डिजिट है आप कर लेंगे, लेकिन बड़ा सा डिजिट होगा, जैसे 111, 1111, 11111, उस समय आप कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तब कर नहीं सकते। तो याद रखिएगा, इस तरह से कभी भी क्वेश्चन आए, अगर आपको एक सेकंड से ज़्यादा, याद रखिएगा मेरे दोस्त, एक सेकंड से ज़्यादा अगर आपके यहाँ समय लग रही है तो समझ जाना आपके अंदर में नॉलेज नहीं है। और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अगर नॉलेज नहीं है तो आपके अंदर में कॉलेज भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले नंबर काउंट करना, कितना नंबर है, 1 1 2, कितना नंबर है मेरे दोस्त, 2 नंबर है। तो लिखेंगे मेरे भाई, खुशी से उछल जाएंगे और लिखेंगे 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर। अब बताइए 2 का पहले कौन आता है मेरे भाई, बताइए 2 का पहले कौन आता है, 1 आता है, कौन आता है मेरे भाई, 1 आता है, और यही आपका आंसर हो जाएगी, दैट इज म्यूजिक। ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है, मैथमेटिक्स इज ए म्यूजिक, ठीक है। बस मैं कहना चाहूंगा एक ही बात कि अगर आप मैथ में बूस्टर बनना चाहते हैं, मैथ में कैलकुलेशन का हीरो बनना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी यूट्यूब चैनल का लिंक पड़ा हुआ उसको जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ इस चैनल से भी जुड़े रहेंगे। अब मैं लेकर चलता हूं ना सर, ये नहीं समझ में आया मेरे भाई, याद रखिएगा, एक अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, जैसे आपसे पूछा जाएगा 111 का स्क्वायर बताए, मैं फिर से कह रहा हूं 111 का मतलब होता है कि 111 × 111, ठीक है। इसको हम लोग इस टर्म में भी लिख सकते हैं, उस समय आपको कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, उस समय आपको खुशी से उछल जाना है और लिखना क्या है, कितना डिजिट है, सबसे पहले आपको गिनना है कितना डिजिट है, 3 1 2 3 3 लिखना है, 1 2 3 3 डिजिट लिखे। उसके बाद बताइए 3 के बाद कौन सा डिजिट आता है पहले, तो बताएंगे मेरे भाई 2 2 से पहले कौन डिजिट आता है सर, 1, और 1 से पहले 0, तो 0 काउंट नहीं करना है, हो गया सर मेरा आंसर। एक बार बताइए मेरे दोस्त, क्या 1 सेकंड से ज़्यादा लग रहा है, एक बार बता दीजिए, क्या 1 सेकंड से ज़्यादा समय लग रहा है, एक बार बता दीजिए मेरे भाई, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना जी। इससे भी भयंकर, जिसे हम लोग बोलते हैं ना देहाती लैंग्वेज में, खतरनाक ट्रिक बताऊंगा मेरे दोस्त, इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन का जो कैलकुलेटर फेल हो जाते हैं, उससे भी बड़ा बड़ा मैं कैलकुलेशन आपको सिर्फ 1 सेकंड में करके दिखाऊंगा। बस पेशेंस बनाइए
और अपने आप में सीखने का एक जज्बा पैदा कीजिए। मैथमेटिक्स इज ए नॉट हार्ड सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज ए म्यूजिक। मैथमेटिक्स कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, मैथमेटिक्स एक म्यूजिक है। ठीक है, चलिए सर आप आते सर आता देखिए इसका मतलब आपको समझ में आ गया। जैसे इतना इंटू 1111 का 1111 से मल्टीप्लिकेशन करना है, या तो 1111 का स्क्वायर निकालना है, तो कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, काउंट करना है कितना डिजिट है, चार। तो लिखेंगे सर 1 2 3 4, चार से पहले कौन आता है सर, तीन, तीन से पहले दो, दो से पहले एक, और अब मेरा आंसर निकल के आ चुका है। और यहाँ तो हम लोग लिख रहे हैं ना मेरे भाई, एग्जाम हॉल में लिखना भी नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑप्शन होगी इस तरह से, जिस ऑप्शन में देखेगी कि जिस सीढ़ी से चढ़ रहे हैं और उसी सीढ़ी से उतर रहे हैं तो समझ जाना कि वही आंसर होगा। जिस सीढ़ी से चढ़ रहे हैं उसी सीढ़ी से उतर जाएंगे मेरे भाई, याद रखिएगा वही हमारा आंसर कहलाएगी। नहीं सर समझ में नहीं आया, थोड़ा सा मेरे दोस्त थोड़ा सा याद रखिए, 11111 का स्क्वायर पूछा जाए, 11111 का अगर आपसे स्क्वायर पूछा जाए तो कुछ नहीं करना, गिनना 1 2 3 4 5, गिनना मेरे भाई 1 2 3 4 5, 5 से पहले 4, 4 से पहले 3, 3 से पहले 2, 2 से पहले 1, और 1 के बाद आपको रुक जाना है, याद रखिएगा मेरे भाई, यही तो हमारा आंसर कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे दोस्त, इसका आंसर यही कहलाएगा। आप बताइए मेरे भाई क्या एक मैथ जो म्यूजिक है या नहीं, आपको हमारा ट्रिक कैसा फील हो रहा है एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, और जितना ज्यादा हो सके अपने भाई बंधुओं को ये सब ट्रिक बताइए ताकि वो कैलकुलेशन से बच सके, है ना, ताकि वो कैलकुलेशन से बच सके। और कैलकुलेटर यकीन नहीं होगा ना मेरे दोस्त, आपके मोबाइल पे कैलकुलेटर होगा, एक बार आप 11111 का 11111 से मल्टीपल करके दिखाइए, चैलेंज करता हूं मेरे भाई आपका कैलकुलेटर फेल हो जाएगा लेकिन आंसर नहीं देगा, आपका कैलकुलेटर फेल हो जाएगी लेकिन आपका आंसर नहीं आएगी, याद रखिएगा मेरे भाई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि म्यूजिक है म्यूजिक, ठीक है। आते सर अब आप लोगों को मैं दे रहा हूं सर एक होमवर्क, क्या दे रहा हूं मेरे भाई, एक होमवर्क, इसका आंसर आपको बताना है मेरे दोस्त, इसका आंसर आप लोगों को होमवर्क बताना, लेकिन नंबर लिखना मेरे भाई, होमवर्क लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, सिर्फ कमेंट कर देते हैं, नहीं मैं देखिए जो भी स्टूडेंट्स HW करके कमेंट करते हैं मैं उसका रिप्लाई करता हूं, ठीक है, ताकि मुझे पता चलता है ना कि कौन सा क्वेश्चन को होमवर्क मैंने दिया था। याद रखिए ये क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 1 है, होमवर्क है 1 2 3 4 5 6 7, इक्का दहान सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख, 11,11,111 का स्क्वायर निकालना है। कंप्यूटर कंप्यूटर, मोबाइल तो दूर की बात, कंप्यूटर फेल हो जाएगी आपके म्यूजिक से, ठीक है। तो इसका ये रहा आप लोग आज का होमवर्क, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ भी आया होगा और मजा भी आया होगा। आप मेरे दोस्त अगर अभी तो मैंने आपको 11 के बारे में बताया था, अगर आपसे 99 के बारे में आ जाए मेरे भाई, 99 के स्क्वायर हो या 9999 के स्क्वायर हो या 9999 का स्क्वायर हो, तो उस समय कैसे करेंगे, खुशी से उछल जाएं। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए मेरे दोस्त याद रखना है, खुशी से क्या करें, उछल जाएं, क्योंकि बहुत आसान है। अब हम लोग 99 से तो मल्टीपल कर लेंगे, लेकिन आप ही बताइए 9999 को 99 से मल्टीपल कर सकते हैं, बिल्कुल ये नहीं हो सकते, हो सकते हैं लेकिन लगभग 5 मिनट समय लगेगी, लेकिन मेरे पास तो 1 ही सेकंड समय है मेरे भाई। ये दो कंडीशन को, ये 99 को हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं, 99 गुना 99 या 99 का स्क्वायर, आप सभी को मैंने अभी समझाया था अच्छी तरह से। अब आते हैं सर इसका आंसर कैसे करेंगे मेरे दोस्त, समझिएगा 99 कितना डिजिट है, 2 डिजिट, याद रखना है मेरे भाई, एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 98 कितना हो जाएगा, 98 कितना हो जाएगा, बोलिए ना मेरे भाई, डर क्यों रहे, अरे म्यूजिक है म्यूजिक, बूस्टर बना दूंगा, समझ में आ रहा है ना, एक कम कर देना है, जैसे 999 रहे तो एक कम कर देंगे 998, तो 900 कितना आ गया मेरे भाई, 99 का एक कम करेंगे 98 कितना हो गया मेरे दोस्त, 98 आ चुकी है सर। अब हम लोग आप लेके चलेंगे आप लोगों को, 98 कितना हो गया मेरे दोस्त, 98 हो गया मेरे भाई। अब कितना डिजिट आपको काउंट करना है, कितना डिजिट काउंट करना है, 2 डिजिट, 1 2 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट में 1 डिजिट आपका होगा 1, बाकी सब होगी 0, और वही आपका कहलाएगा हीरो, समझेगा मेरे भाई। तो 1 लिखेंगे मेरे भाई, 2 डिजिट लिखना है ना, 2 डिजिट,
तो टू डिजिट में एक लिखेंगे सर जीरो, एक लिखेंगे वन, एक लिखेंगे जीरो, एक लिखेंगे वन। जीरो आपको जितना डिजिट रहेगी मेरे भाई उतना आपको क्या करना होगा, समझ जाए मेरे भाई, उतना आपको डिजिट यहां पे लिखना होगा, मेंशन करना होगा, लेकिन लास्ट में वन आना चाहिए। जैसे यहां पे दो डिजिट था तो मैंने आप लोगों को दो डिजिट लिखा वहां पे और लास्ट में एक वन टपका दिया हूं। नहीं समझ में आया सर? थोड़ा सा मेरे दोस्त, थोड़ा सा 999 को 999 से मल्टीप्लिकेशन करना है। चलिए सर एक कम कर देंगे, इसमें एक कम करेंगे तो हमारा हो जाएगा 998। कितना डिजिट है सर? 1 2 3 थ्री डिजिट है। कितना डिजिट है? थ्री डिजिट है। आप सोचेंगे सर थ्री डिजिट कैसा है? मेरे भाई ये तो थ्री डिजिट ही है ना, 999 का स्क्वायर करेंगे थ्री डिजिट होगी, तो कितना डिजिट है? 1 2 3। तो थ्री में एक वन लिखना है, बाकी सबको जीरो में चिपकाना है। तो 1 2 3 बताइए मेरे भाई म्यूजिक है या नहीं, एक बार बता दीजिए कि ये म्यूजिक है या नहीं। लास्ट में आपको जीरो रखना है, बाकी सब जगह लास्ट में वन रखना है, बाकी सब जगह जीरो। नहीं समझ में आया सर? फिर से 9999 का मल्टीप्लिकेशन 9999 से करना है या 9999 का स्क्वायर करना है मेरे दोस्त? कैसे करेंगे बताइए? सबसे पहले देखेंगे सर एक कम कर देंगे, एक कम करेंगे, ज्यादा नहीं एक कम करेंगे, और डिजिट काउंट करेंगे कितना डिजिट का है। तो चार डिजिट का है तो तीन को जीरो चिपकेगा और एक वन लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगी। आपका मोबाइल कैलकुलेटर ब्लास्ट कर जाएगी मेरे भाई, आपका कैलकुलेटर ब्लास्ट कर जाएगी लेकिन आंसर नहीं आएगा। सोचिए इतना बड़ा कैलकुलेशन का सिर्फ एक सेकंड, कितना एक सेकंड का समय लग रहा है मेरे दोस्त। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कितना बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों के लिए बनाया हूं। 99999 क्या मेरे भाई? 99999 अगर समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं सर कि आपके बताया हुआ सारा चीज हम लोगों को समझ में आ जाता है। देखिए एक कम कर देंगे मेरे दोस्त, एक कम करेंगे, ज्यादा नहीं एक। देखिए 99998 लिख दिए, अब कितना डिजिट है सर? पांच डिजिट, तो चार को जीरो चिपके का, एक को दो को तीन को चार को, लास्ट में लिखेंगे सर एक। हो गया मेरा आंसर, एक बार बताइए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, एक बार बता दीजिए मेरे दोस्त कि सर हम लोगों को समझ में आ जा रहा है। एक बार बताइए क्या आपके कैलकुलेटर से भी फास्ट काम कर रही है या नहीं, एक बार कहना आप लोग कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बाकी जो मैं होमवर्क दिया हूं उसको आप लोग जरूर सॉल्व करना है। साथ ही साथ अगर आप लोग चाहते हैं मुझे SSC रेलवे बैंकिंग की तैयारी करना है तो मेरे दोस्त डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक YouTube चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, इस YouTube चैनल को बिल्कुल आप लोग जितना ज्यादा हो सके सब्सक्राइब करके आगे शेयर भी कर देंगे, वहां पे क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। मिलते हैं इसी तरह से सेट नंबर 4 में।